नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज एकदम न्यू स्टाइल में न्यू सॉन्ग के साथ स्टेटस वीडियो बनाते सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप चैनल पर नए और पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम की। तो सबसे पहले अपन डेमो वीडियो देख लेते हैं। लिंक दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा या मैं टेलीग्राम में पिन भी कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं वो थोड़ा सा क्लिप आपको 10 सेकंड का देख लो, उसके बाद अपन एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बीट मार्क और शेक इफेक्ट और पीएनजी इमेज डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए यह वाला टाइटल मिल जाएगा, इस टाइटल पर क्लिक कर देना। क्लिक करने में दोस्तों आपको यहाँ से उंगली से इस तरह से दबा के ऊपर उठा लेना, ठीक है। इस तरह से ऊपर जैसे उठा होगा तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए नीचे जाना और आपको यहाँ पर बीट मार्क और शेक इफेक्ट और पीएनजी इमेज इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं बीट मार्क करके बताता हूँ, तो यहाँ पर आपको लिंक पर इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। लिंक पर इस तरह क्लिक करने बाद कुछ इस तरह थोड़ा सा इंप्रेस लोडिंग लेगा और आपको यहाँ पर देखा क्रॉस देखने को मिल जाएगा ये वाला कोने में, आपको इस क्रॉस पर क्लिक कर देना और इस तरह खिसका का आपको नीचे जाना है, ठीक है। इस तरह से ऊपर इस तरह खिसकाना, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस तरह से नीचे खिसका लेता हूँ, देख लीजिए दोस्तों, इस तरह खिसका लेना और खिसका लेना और इस तरह से और नीचे आ जाना और आपको यहाँ पर डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस डाउनलोड पर क्लिक कर देना, डाउनलोड पर जैसे क्लिक करें यहाँ पर आपका टाइमिंग मिल जाएगा, ठीक है। 10-12 सेकेंड रहेगी तो यहाँ पर देखिए कुछ समय वेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 7 सेकेंड 6 सेकेंड और 5 और 4 3 2 1 और 0, ये ठीक है। 0 होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड आपको इस पर क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर देना, क्रॉस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करना, ठीक है। और इस तरह से आपको नीचे चले जाना, ठीक है। इस तरह आपको नीचे चले जाना और नीचे चले जाना और इस तरह से देख ले नीचे आपको आ जाना और नीचे आ जाना और देख ले दोस्तों थोड़ा सा और आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए बीट मार्क इस तरह से मिल जाएगा, इसी तरह सेम आपको शेक इफेक्ट और पीएनजी इमेज मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से बीट मार्क डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह बीट मार्क पर क्लिक कर देना, बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाइड मोशन में वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सेम वेरीफाई और आपको यहाँ पर इंपोर्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस तरह से प्लीज़ वेट डाउनलोड प्रोजेक्ट पैकेज डाउनलोड होना चालू हो गया और अपना डाउनलोड बीट मार्क हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको शेक इफेक्ट और पीएनजी इमेज डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर देख लिया दोस्तों आपको यहाँ पर देख लिया आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना, प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो अपने मटेरियल डाउनलोड किया है बीट मार्क और शेक इफेक्ट और पीएनजी इमेज तीनों ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बीट मार्क बाय रितेश एडिंग इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। बीट मार्क पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर देख लिया प्लस देखने को मिल जाएगा ये वाला ग्रीन कलर का, आपको इस प्लस पर क्लिक कर देना। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरे रूम पर मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस मीडिया पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपके फोटो इस तरह से खुल के आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से आपके फोटो खुल के नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर कुछ भी लिखा आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह से आपके फोल्डर खुल के आ जाएगा, यहाँ से वो वाला फोल्डर सिलेक्ट करना जिस फोल्डर में आपका फोटो होता है, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं एक फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। अगर यही फोटो आपको चाहे तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पांचवें नंबर पर फिल कॉन्फर्मेशन एरिया का ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह खिसकाना, ठीक है। इस तरह से खिसका के आपको लास्ट चले जाना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी खिसका लेता हूँ दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। कुछ भी प्रॉब्लम तो मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम की, ठीक है। तो इस तरह लास्ट आने के बाद आपको ये वाला एरो का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अगर आपका फोटो इस तरह छोटा है तो आपको यहाँ पर मोड ट्रांसफर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको इस तरह खींचना, ठीक है। इस तरह खींच के आपको इसको जूम कर लेना, जूम करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी सेट करना है वहाँ आप इस तरह सेट कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं ऊपर यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपना इमेज बड़ा हो जाएगा, उसके बाद खाली जगह में टच कर देना और इस एरो पर क्लिक कर देना। एरो पर क्लिक करने के बाद उसको आपको पीएनजी इमेज पर क्लिक कर देना, पीएनजी इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर से पर क्लिक करना और यहाँ पर वापस क्लिक करके आपको यहाँ पर कॉपी फोर लेयर का ऑप्शन कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करना और यहीं पर एरो पर क्लिक करके आपको बीट मार्क पर क्लिक कर देना।
बिट मार्क पर क्लिक करना दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको पेस्ट फोर लेयर पर क्लिक करना। पेस्ट करने के बाद आपको इस तरह से करना, ठीक, इस तरह खिसका आपको लास्ट तक चले जाना। उसके बाद पहले नंबर क्लिक कर देना और ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना, दूसरे नंबर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद खाली जगह में आपको टच कर देना, उसके बाद आपको तीसरे नंबर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना और चौथे नंबर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद अगर यहाँ का कलर चेंज करना चाहता है, सही नहीं लग रहा, तो आपको कलर द फील्ड पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो वाला कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी अच्छा सा कलर, तो मैं यहाँ से मान लीजिए ये वाला कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये भी ज़्यादा, हाँ चलो ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद खाली जगह में आपको टच कर देना, ठीक है, खाली जगह में टच करने के बाद आपको पहले नंबर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर मूव द ट्रांसफर क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा पीएनजी इमेज को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके इस तरह बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर यह कलर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं चेंज कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद इस एरो पर क्लिक कर देना, एरो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस एक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में ग्रुप वन मिल जाएगा, ये वाला ग्रुप एक सबसे नीचे वाला, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना और इस एरो पर क्लिक करके बीट मार्क पर क्लिक कर देना। बीट मार्क पर क्लिक करने में दोस्तों आपको इस एरो पर एक दो, ठीक है, और तीन बार जैसे क्लिक हो 1.17 तक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना और इस ग्रुप पर क्लिक करके आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अनग्रुप पर क्लिक कर देना, ठीक है। अनग्रुप पर क्लिक कर जैसे करोगे यहाँ पर देखिए अपना ग्रुप अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपनी इफेक्ट कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस एरो पर आपको क्लिक कर देना, एरो पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर देखिए सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, सेक इफेक्ट पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बीच वाला ग्रुप टू मिल जाएगा। इस ग्रुप टू पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना और इस एरो पर क्लिक करके आपको बीट मार्क पर क्लिक कर देना, बीट मार्क पर क्लिक कर देना, बीट मार्क पर क्लिक करने दोस्तों आपको इस एरो पर एक आपको एक बार क्लिक कर देना, ठीक है। एक बार जैसे क्लिक 0.00.18 तक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना और इस ग्रुप पर क्लिक कर देना, ग्रुप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे लास्ट में अनग्रुप पर क्लिक कर देना, ठीक है। अनग्रुप पर क्लिक करने बाद एरो पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर देखिए सेक इफेक्ट पर वापस क्लिक कर देना, सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, सेक इफेक्ट पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर ग्रुप 3 यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक करके कॉपी लेयर पर क्लिक करना, खाली जगह में टच करना और इस एरो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर बीट मार्क पर क्लिक कर देना, बीट मार्क पर क्लिक करना, क्लिक करने बाद दोस्तों आपको देखिए इस तरह से आपको आगे आ जाना, ठीक है, इस तरह खिसका आपको आगे आ जाना, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी खिसका लेता हूँ, आपको इस तरह खिसका लेना, ठीक है। तो 16, 17, 18, 19 और आपको देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ तक, ठीक है, 20.21 आपको यहाँ पर टाइम मिल जाएगा 20.21। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना और इस ग्रुप 3 पर क्लिक करके आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में अनग्रुप पर क्लिक कर देना, ठीक है। अनग्रुप पर क्लिक करने बाद आपको इस तरह फर्स्ट में आ जाना और सबसे नीचे इस तरह ऊपर उठा लेना इसको, ठीक है, और सबसे नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपको इस बॉर्डर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना और ऊपर डिलीट कर देना। डिलीट पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको पेस्ट लेयर पर वापस क्लिक कर देना और इस एरो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने बाद आपको 720 HD कर लेना और यहाँ पर आपको स्पॉट पर क्लिक कर देना। वीडियो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा, तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।